आगरा में जैन समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। आगरा में परम गुरु जैन युवा समिति की ओर से पर्युषण महापर्व के प्रारंभ पर रत्न चंद महाराज के जन्मोत्सव की वेला पर श्री श्वेतांबर स्थान कवासी जैन समिति के सहयोग से प्रथम बार स्वर्ण गजरथ पर रत्न चंद महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा लोहा मंडी रेलवे फाटक से जैन मुनि विचरण डॉक्टर पूजा ज्योति मंगल पाठ के साथ प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में बैंड बाजों के साथ बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी भाइयों बहनों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गुरुदेव की भक्ति में भजन गाए। गुरुदेव के जयकारों से आकाश को गुंजायमान कर दिया। लोहा मंडी बाजार रेलवे फाटक लोहा मंडी जैन स्थानक बलदेवगंज रत्नमुनि इंटर कॉलेज होते हुए जयपुर हाउस स्थित स्मृति भवन पर परम गुरुदेव जन्म जयंती समारोह स्थल पर 22 जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। जैन धर्म का पर्युषण का जो हमारे मुख्य त्योहारों में है, बड़े हर्षोल्लास के संग आज पहला दिन, प्रथम दिन जो हमारे भगवान महावीर के बाद हम जिनको मानते हैं वो हमारे परम गुरु श्री शारदेय श्री रतन चंद जी महाराज साहब, जिनका आज जन्म जयंती है। लगभग 200 वर्ष पूर्व हमें उन्होंने राह दिखाई, जैन धर्म अपनवाया और जैन धर्म को अहिंसा के सिद्धांत पर चलने की राह दिखाई। आज इनकी भव्य शोभा यात्रा लोहा मंडी रेलवे फाटक से होते हुए कई जगह पर भव्य स्वागत हुआ। लोहा मंडी बाजार, बलदेवगंज और रतनमणि बॉयज इंटर कॉलेज के आसपास कई जगह भव्य स्वागत होने के बाद, भव्य स्वागत होने के संग संग इसमें बहुत श्रद्धालुओं की आस्था मिली। लगभग 400 से 500 श्रद्धालु रथ यात्रा में संग थे और आप जिस प्रकार से पीछे देख रहे हैं रथ यात्रा के बाद यहाँ पे हम जन्म जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं स्मृति भवन जयपुर हाउस में और यहाँ पे उसके बाद गौतम प्रसादी का भी प्रावधान है और मैं सबको, आप सबको, पूरे देशवासियों को अपने 28 व्रत जो हमारे पर्युषण पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, सारे जैन धर्म के लोगों को धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर परम गुरुदेव रतन चंद जी महाराज की एक विशाल शोभा यात्रा जो जन जन को उत्साहित करती हुई, जो संपूर्ण जनमानस के मन में अहिंसा का भाव पैदा करती हुई एक पूरी लोहा मंडी में निकाली गई और परम गुरुदेव रतन चंद जी महाराज ऐसे विरले पुरुष थे, ऐसे विरले संत थे और हमारे लिए तो वो किसी तीर्थंकर से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको जैन बनाया और जैन धर्म के सिद्धांत दया धर्म और अहिंसा के बारे में हम सबको अवगत कराया और उसके बाद भी हम सबके रूप में वो इस अहिंसा धर्म के ध्वजभागों को छोड़ गए हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह का जन उल्लास संपूर्ण मानस में छाया हुआ है और ये शुभ अवसर इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैन श्वेतांबर स्थानकवासी के संघ के ये 8 दिन के तप का ये पहला दिन है और मैं सबसे संपूर्ण समाज की ओर से, संपूर्ण मानस की ओर से ये प्रार्थना करूँगा कि ये संपूर्ण जगत में विश्व शांति बनी रहे, अहिंसा के लिए हम सब आगे बढ़ें। धन्यवाद। बुलंदशहर में